हेलो गाइस, दिस इज मनोज एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ आई स्टडी फन। गाइस, आज हम लोग देखेंगे और एनालिसिस करेंगे कि एसएससी सीपीयू के एग्जाम में शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, जिसका पेपर 15 मार्च 2019 को हुआ है। दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी सारे रिलेट हो रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन एज इट इज आ रहे हैं, तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि अगर आप पेपर देने जाने वाले हैं तो आप प्रीवियस आंसर्स की ज़रूर देख के जाइए एसएससी के एग्जाम की, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। गाइज, अवार्ड से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अगर आपको प्रीवियस आंसर्स की चाहिए एसएससी के एग्जाम की तो आप मेरे चैनल में जा सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको वहां से सारी आंसर्स की मिल जाएंगी एसएससी के एग्जाम की। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टार्ट करते हैं शिफ्ट टू से। शिफ्ट टू का जो पहला क्वेश्चन था गाइज, शिवाजी की डॉटर और वाइफ का नाम आपको बताना था। ये मुझे इतना कंफर्म नहीं है दोस्तों, क्योंकि उनकी काफ़ी सारी वाइफ्स थी, काफ़ी सारी डॉक्टर और सन थे, तो अगर आपको इसका ऑप्शन पता तो आप मेरे कमेंट सेशन में बता दीजिए, डेफिनेटली मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था सचिन तेंदुलकर ने जो 100वीं सेंचुरी बनाई थी वो किस के खिलाफ बनाई थी। तो सचिन तेंदुलकर ने जो अपनी 100 सेंचुरी बनाई थी वो बांग्लादेश के खिलाफ बनाई थी, और कौन से स्टेडियम में बनाई थी? शेर ए बांग्लादेश वाले स्टेडियम में बनाई थी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया था गोदान बुक किसने लिखी है। तो गाइज, आपने गोदान बुक के बारे में सुना होगा, वन ऑफ द फेमस बुक। ये बुक लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे कौन से मिनिस्टर हैं जो ट्विटर पे हाई लेवल की वोकैबुलरी लिखते हैं या फेमस हैं। तो गाइज, ऐसे हमारे सिर्फ एक ही मिनिस्टर हैं, कहते हैं ये जब ट्विटर पे अपनी वोकैबुलरी लिखते हैं तो आधे लोगों को तो समझ में ही नहीं आता कि लिखा गया है। इनका नाम है शशि थरूर। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया था आज की दिशा किसने लॉन्च की है। तो आज की दिशा जो है दोस्तों, ये हमारे रेलवे वालों ने स्टार्ट की है, IRCTC ने की है। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिक्स्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था रोड ड्यो किस से रिलेटेड है। तो गाइज, ये इसका सवाल अगर आपको पता है, इसका आंसर अगर आपको पता है या ऑप्शन पता है तो प्लीज कमेंट सेशन में बताइए, मैं डेफिनेटली इसका आंसर बताऊंगा। और अगर आपको आंसर बताया है तो वो भी बताइए, ताकि औरों की भी मदद हो जाए। सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया था सत्या शोधक समाज के फाउंडर कौन है। तो इनके जो फाउंडर है उनका नाम है ज्योतिभा फूले, और कब हुआ थे फाउंडर? 1873 में किया था। एट क्वेश्चन आया था कि गौतम गंभीर ने अपना कैरियर कब स्टार्ट किया था, अपना डेब्यू कब स्टार्ट किया था। तो गौतम गंभीर ने अपना डेब्यू स्टार्ट किया था 2003 में। नाइन्थ क्वेश्चन आया था हैवीएस्ट सैटेलाइट। तो गाइज, हैवीएस्ट सैटेलाइट जो है उसका नाम है Z-SAT-11। इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया था इसरो की तरफ से, जिसका नाम है G-SAT-11। टेंथ क्वेश्चन आया था फादर ऑफ सिविल एविएशन कौन है। तो गाइज, फादर ऑफ सिविल एविएशन है GRD टाटा जी। तो गाइज, ये थे कुछ 10 क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए शिफ्ट टू में। गाइज, 11th क्वेश्चन आया था मयूर सिंहासन, जिसे हम पिकॉक थ्रोन भी कहते हैं, किसने एस्टेब्लिश किया था। तो आपको पता होगा पिकॉक थ्रोन इज फेमस फॉर शाहजहां, और कब किया था? 17th सेंचुरी में किया था। गाइज, 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया था नेशनल एंथम की ड्यूरेशन। तो नेशनल एंथम की ड्यूरेशन आपको पता ही होगी, अप्रॉक्सीमेटली 52 सेकंड्स होती हैं। 13th क्वेश्चन आया था कबीर दास के गुरु कौन थे। तो कबीर दास के गुरु थे रामानंद। 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया था फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला था। तो ये मिला था जी शंकरा को। तो गाइज, ये थे 14 क्वेश्चन जो शिफ्ट टू में पूछे गए। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पता है तो प्लीज कमेंट सेशन में बताइए, मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं शिफ्ट वन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। गाइज, पहला क्वेश्चन पूछा गया था ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अगर वर्ल्ड में पूछा गया था तो इसका नाम था ओएस्टर क्रीक, जो अमेरिका का है, और इंडिया में जो है उसका नाम है अप्सरा, जिसे डिजाइन किया है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया था महात्मा गांधी की जो मूवी है गांधी, महात्मा गांधी, उसमें गांधी का रोल किसने किया है। तो गांधी का रोल महात्मा गांधी मूवी में किया था बेन किंग्सले ने। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया था हावड़ा ब्रिज किस स्टील से बना है। तो गाइस, ये तो मुझे पता नहीं किस स्टील से बना है, बट मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि ये हुगली रिवर के ऊपर है वेस्ट बंगाल में। अगर आपको पता है किस स्टील से बना है तो प्लीज कमेंट सेशन में बताइए, ताकि औरों की भी मदद हो जाए। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया था ब्लड के जमने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो आपको पता होगा ब्लड के जमने के प्रोसेस को कहा जाता है कोगुलेशन। फिफ्थ क्वेश्चन आया था लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। देखिए, एक पूछा गया था ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, एक पूछा गया लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। तो लार्जेस्ट जो है वो है तारापुर। सिक्स्थ क्वेश्चन दोस्तों, पूछा गया था मोरा पंत तांबे की बेटी का नाम। तो मोरा पंत तांबे की बेटी का नाम जो था वो था रानी लक्ष्मीबाई। ऐसी गाइस, शिफ्ट टू में भी रानी लक्ष्मीबाई से कोई रिलेटेड क्वेश्चन था, मैं उसमें कंफर्म नहीं हूं, तो प्लीज पढ़ के जाइए आप राजा महाराजाओं के बारे में। सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था जलियांवाला बाग के समय गवर्नर जनरल कौन थे।
गाइस आपको पता होगा अमृतसर में जलियांवाला बाग में काफी लोगों को मार दिया गया था। तो किसने किया था ये काम? जनरल डायर ने किया था। 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया था 2018 एशियन गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो गाइस ये जो गोल्ड मेडल जीता था ये जीता था सौरभ चौधरी ने। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया था शहीद भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी 1931 में, ये 23 साल के थे सिर्फ। 10th क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो बताइएगा। खेलो इंडिया का पहले नाम क्या था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो डेफिनेटली प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि औरों की भी मदद हो जाए, और अगर आपको ऑप्शन पता है तो बताइए ताकि मैं आपका प्रॉपर आंसर दे पाऊं इस क्वेश्चन का। ये थे 10 क्वेश्चन, चलिए मूव करता हूं और देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए SSC CPO के एग्जाम के शिफ्ट 1 में। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 3 इडियट में आमिर खान का जो कैरेक्टर है किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है सोनम वांचुक से, जो एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए थे, और इनको रिसेंटली अभी रमन मैक्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया है। 12th क्वेश्चन पूछा गया था, जाकिर हुसैन को 1963 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो उन्हें मिला था भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, और ये एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जो ऑफिस काल में ही मर गए थे। और आपको पता होगा सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो भारत रत्न होता है, देन होता है भारत विभूषण, देन पद्म भूषण, देन होता है पद्मश्री। तो गाइज अवार्ड्स के बारे में पढ़ के जाइए, आपकी काफ़ी मदद होगी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए आज 15 मार्च 2019 को SSC CPO के एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।